हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स का और ये भी मेरे YT के ऊपर मेरे फ्रेंड्स हैं उनका सबका ये क्वेश्चन था कि मैंने एक साल के लिए मैं कहाँ गई थी, मैंने YT क्यों छोड़ा। तो आज मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करना चाहती हूँ। शेयर तो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आप किसी चीज़ के लिए तब रेडी नहीं होते हो। तो मैंने सोचा कि अब टाइम सही है, तो चलो मैं अब आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये मैंने लास्ट में मैंने नवंबर में अपना पहला वीडियो जब डाला, तो मैंने 3-4 महीने मैं एक्टिव रही YT के ऊपर। तो उसके बाद मुझे अप्रैल में मैंने ब्लाइंड फोल्ड फेस रैपिंग वाला दुपट्टा का शायद कोई वीडियो बना रही थी, तो मैंने एक स्कूल में इंटरव्यू के लिए लेटर डाला था। तो मुझे उधर से कॉल आया, और उन्होंने बताया कि नाउ यू आर सिलेक्टेड। तो मेरा बहुत मन, मतलब कि मैं मेरे पास दो ऑप्शंस आ गए थे। तो फिर दो ऑप्शंस आए मेरे पास, तो मैंने पहले फिर मैंने स्कूल को ज्वाइन कर लिया। तो फिर मेरी एक दो वीडियो को, हम लोगों को कैसा रहता है हमारे चैनल के ऊपर, अगर वीडियो को 100 से भी ऊपर व्यूज़ आ जाए तो हम लोग उसी में खुश हो जाते हैं। तो वो मेरी एक दो तीन वीडियोस थी जिनको मेरे 1000 से ऊपर व्यूज़ चले गए थे, तो मैं बहुत हैप्पी हो गई कि हाँ चलो ठीक है, इसके बारे में भी सोच सकते हैं हम लोग। तो उसके बाद फिर मैंने अप्रैल में स्कूल में ज्वाइनिंग किया। तो मैंने ये चीज़ सोची थी कि हाँ मैं साथ साथ में स्कूल में जॉब भी करूँगी, और जो हमारा जो मेरा YT के ऊपर चैनल है मैं उसको भी पार्ट टाइम के लिए रखूँगी, हाँ उसको भी साथ में ही करूँगी, क्योंकि जब मैं फ्री बैठी थी तो घर पे मैंने इसीलिए ये स्टार्ट किया था। तो लेकिन चलो हम लोग उसमें सक्सेस नहीं हो पाए इतना। तो उसके बाद मुझे अप्रैल के लास्ट में मुझे वो खुशी मिली जिसका मुझे बहुत सालों से इंतज़ार था। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अभी मुझे YT छोड़ देना चाहिए। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि मुझे मेरा सेकंड बेबी आने वाला था, तो YT के ऊपर मैं उन यूट्यूबर का नाम नहीं लेना चाहती, लोग सोचेंगे कि मैंने व्यूज़ के लिए उनका नाम लिया। तो उनके साथ भी कुछ ऐसे सिचुएशन था उस टाइम पे, वो भी प्रेग्नेंट थी, तो ऐसा थोड़ा सा उनका वीडियो वो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने देखा तो मुझे अच्छा नहीं लगा और मैंने डर के मारे से ही YT को छोड़ दिया थोड़ा टाइम के लिए। मेरे बहुत सारा मन था कि मैं आप लोगों के साथ बहुत टाइप्स की वीडियो शेयर करूं, मेरे पास बहुत सारी वीडियोस पड़ी भी हैं, हो सकता है मैं आप लोगों के साथ वो वन बाय वन करके शेयर करूं। तो अभी मैं आप लोगों के साथ ये अपना जो मैंने YT क्यों छोड़ा वही चीज़ शेयर कर रही हूँ। तो बस यही रीज़न था एक, कि मेरा सेकंड बेबी आने वाला था और मेरे पास टाइम नहीं था स्कूल, उसके चलते मुझे 4 to 5 months के बाद मुझे स्कूल की जॉब भी छोड़नी पड़ी, क्योंकि मैं पूरा टाइम अपनी हेल्थ को ही देखना चाहती थी। हेल्थ के लिए मैं बहुत कॉन्शियस थी कि हाँ मुझे अपना पूरा टाइम जो है मुझे अभी अपने ऊपर ही ज़्यादा ध्यान देना है। तो फिर यही चीज़ें होने लग गई कि आपको ये रहता है कि हाँ अभी आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दो, मतलब कि सेकंड फर्स्ट ऑप्शन आपके पास यही रहता है और सेकंड ऑप्शन फिर आपके पास दूसरी चीज़ें बाद में आती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें थी, दो तीन रीज़न थे। फर्स्ट रीज़न तो था कि मेरी साथ में स्कूल में जॉब भी लग गई थी, तो सेकेंड रीज़न था कि मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिली थी और वो खुशखबरी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती थी, YT के आगे थी वो। तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, YT तो फिर से स्टार्ट हो सकता है, उसको फिर से हम लोग वीडियो अपने आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो फिर मैंने अपना जो चैनल था अप्रैल के बाद मैंने कोई वीडियो नहीं डाली उस पर। वीडियोस तो बहुत सारी थी, बहुत सारे कंसेप्ट भी थे मेरे पास वीडियोस डालने के लिए, बट मैं डालना नहीं चाहती थी। तो लेकिन अभी मैं वन बाय वन करके जो मेरे पास वीडियोस पड़ी हैं वो वन बाय वन करके डालूंगी। आई होप कि आप लोग देखो, अगर देखोगे तो फिर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको वीडियोस आगे वाली चाहिए। तो यही था बस मेरा, कि मैंने ये छोटा सा आपको बस ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। बहुत जल्दी मेरा इससे रिलेटेड एक
मेरा डिलीवरी सेक्शन का जो वीडियो है, मेरा सी सेक्शन का वीडियो है, वो आने वाला है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो सी सेक्शन का जल्दी ही वीडियो अपलोड करूँगी। बहुत सारी इमोशनल मोमेंट्स हुए मेरे साथ और बहुत सारी चीज़ें हुई जो मैं आप लोगों के साथ अपने सी सेक्शन डिलीवरी वाले व्लॉग में शेयर करूँगी। आई होप कि आपको ये मेरा छोटा सा जो मैंने आप लोगों के साथ बात शेयर की है वो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत। कैसा रहता है कि अगर हमें कोई बाहर का मतलब कि बाहर का कोई भी पर्सन देख रहा है, तो आप लोगों की बदौलत हम आगे बढ़ेंगे लाइफ में। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें, वॉच करा करें, और सब्सक्राइब भी कर दिया करें हमारे चैनल को। आपको बस एक देखना ही होता है वीडियो को, और हम लोगों की जो मेहनत होती है वो होती है इस वीडियो में, और जो हम लोग अपनी पर्सनल चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो बस मेरा यही कहना है कि आप लोग बस हमारा साथ दीजिए हमें आगे बढ़ने में। तो चलिए फिर मैं ये वीडियो का लास्ट यहीं पे करती हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो चलिए मिलती हूँ जल्दी ही मेरे सेकंड सी सेक्शन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।